नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के कई राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। आपको बता दें कि अब ऐसे में चुनाव में जीत के दावेदारी के लिए सभी पार्टी अपने अपना बेड़ा संभालते हुए जनता को लुभाने के तरीके निकाल रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का कमल लहराने के लिए जनता को कार्यकाल में हुए कामों का वास्ता दे रही है, वहीं सपा की साइकिल रैली हर रोज जनता के बीच पहुंच एक नए उत्तर प्रदेश का ख्वाब दिखा रही है। वहीं एक तरफ बसपा का हाथ ही जाति कार्ड खेलने में लगा हुआ है, तो ओबीसी की पतंग चुनाव के आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए धार्मिकरण के नाम पर जनता को लुभा रही है। लेकिन वहीं अब बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो उसी राजनीति पर चल रही है जिस पर केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित के वक्त सत्ता काबिज की थी। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी लगातार फर्जी दस्तावेज के आधार पर योगी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। और अब राम मंदिर तो कभी जल जीवन मिशन के घोटाले की झूठी अफवाह फैलाकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा करना हर बार उन पर ही भारी पड़ जाता है, जैसा इस बार फिर हुआ। बता दें कि लखनऊ में पाइप आपूर्ति घोटाले में जल शक्ति विभाग के आरोप लगाने वाले संजय सिंह के खिलाफ बस्ती में हरैया विधायक अजय सिंह हजरतगंज थाने में FIR लिखवाने पहुंच गए। अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने गलत तरीके से नाम लेकर कूट रचित दस्तावेजों के साथ मीडिया को दिखाया है और इसी के खिलाफ शिकायत की जा रही है। संजय ने चेक डैम घोटाले के कागज दिखाकर पाइप आपूर्ति घोटाला बताया है और जनता, मीडिया और देश के लोकतंत्र को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की है। आइए एक बार आप खुद सुनिए कि उन्होंने शिकायत पत्र लिखाते हुए क्या कुछ कहा। आज आप थाने आए संजय सिंह के खिलाफ FIR लिखवाने, क्या है पूरा मामला? देखिए, 8 तारीख को डॉक्टर संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश का जो लोक जल शक्ति विभाग पर आरोप लगाया था, कोई पाइप सप्लाई को लेकर के, उन्होंने मेरा भी नाम जोड़ा था कि मैंने भी कोई शिकायत किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं किया है। 2017-2018 में मैंने नियम 51 के तहत विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था जल चेक डैम घोटाले को लेकर के, वो चेक डैम घोटाला सपा सरकार में हुआ था। अब उन्होंने उस दस्तावेज को लेकर के बिना किसी दिखाए दूर दूर से कि अजय सिंह विधायक हरैया ने भी कुछ किया, मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने आया था। उन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने कूट रचित दस्तावेज पेश किया है, फर्जी तरीके से पेश किया उन्होंने, उनके खिलाफ मैंने हजरतगंज थाने में तहरीर दिया, उनके खिलाफ तुरंत FIR किया जाए। हिट और रन की पॉलिसी, आप कुछ भी बोल करके, कोई भी बोल करके दिल्ली भग जाइए, ये बिल्कुल चल नहीं सकता है। मैंने कहा है कि संजय सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और इस तरह उन्होंने जो मेरी मानहान की है, मेरे विभाग की मानहान की है, मेरे सरकार की मानहान की है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, इसमें अधिकारी का मामला नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अजय सिंह ने भी जल शक्ति विभाग पे शिकायत की है। जिस समय मैंने पेपर दिया था उसमें जल शक्ति विभाग का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय सिंचाई विभाग हुआ करता था। उस समय डॉक्टर महेंद्र सिंह उस विभाग के मंत्री भी नहीं थे। मैंने पिछली सरकार में हुए चेक डैम घोटाले की मांग की थी, उसको उन्होंने इस पे उठा के जोड़ दिया। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, फर्जी तरीके से उन्होंने दिया है। ये मेरी मानहान करने का उन्होंने प्रयास किया है, मेरी सरकार की मानहान करने का उन्होंने प्रयास किया है, और इसलिए मैं ये फेक किया, उन्होंने फ्रॉड किया है, कूट रचित दस्तावेजों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए आया। अभी खाली सिर्फ हजरतगंज में आपने FIR दर्ज करा, और भी कहीं एप्लीकेशन? नहीं, क्योंकि मेरा घर आप जानते हैं लालबाग में है, अलॉटेड लालबाग मेरा एड्रेस है, और जहां मैं रहता हूं ये हजरतगंज कोतवाली में आता है, तो स्वाभाविक है कि मेरा क्षेत्र हजरतगंज कोतवाली ही FIR दर्ज कराने का है। दरअसल आपको बता दें कि बीते सोमवार जल शक्ति मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि संजय सिंह ने लिखा है कि 1,20,000 करोड़ की योजना में घोटाला, पता नहीं ये फिगर कहां से आ गया। अभी तक 15,000 करोड़ का बुंदेलखंड क्षेत्र में DPR बना है। संजय सिंह ने कहा है कि कंपनी कई जगह ब्लैकलिस्टेड है, जबकि जम्मू हिमाचल जहां का भी उदाहरण उन्होंने दिया था वहां पर वो ब्लैकलिस्टेड का आदेश नहीं है। पश्चिम बंगाल का संजय ने उदाहरण दिया था, लेकिन 2013 के एक कागज दिखाकर उन्होंने कहा था कि ये कंपनी पश्चिम बंगाल में भी ब्लैकलिस्टेड है, जबकि पश्चिम बंगाल में ही बाद में एक और आदेश हुआ था जिसमें कहा गया था कि पहला कागज भूलवश जारी किया गया है। संजय सिंह ने सेना में भी कंपनी को प्रतिबंधित करने की बात कही थी, जो कि सरासर गलत थी। बीते रविवार को लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर मिशन जल जीवन में महाघोटाले का पर्दाफाश किया था।
23,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में शामिल मंत्री और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग की और इसके लिए सरकार को एक हफ्ते का समय दिया। दूसरे ही दिन सोमवार को जल शक्ति मंत्री सरकार की तरफ से मैदान में उतरे और संजय सिंह की बोलती बंद कर दी और उनके सभी आरोपों को नकारते हुए तमाम कागजों के हवाले से मिशन में कामकाज को जायज ठहराया और संजय सिंह को अनपढ़ जाहिल बताते हुए तथ्यों की जांच करने की हिदायत भी दी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। आपके मुखिया केजरीवाल, जिन्हें फ्री की राजनीति करने वाला राजनेता कहा जाता है, वो भी आए दिन इसी तरह की राजनीति खेलते हुए अभी तक दिल्ली में टिके हुए हैं। आपको बता दें कि उनकी हमेशा से ही यही स्ट्रेटेजी रही है कि झूठे कागजात दिखाकर सत्ताधारी सरकार को बदनाम कर खुद का नाम रोशन करो, क्योंकि सबूत तो इनकी पार्टी के पास बहुत होते हैं पर ना आज तक वो कोर्ट पहुंचे और ना ही किसी थाने में केस दर्ज हुआ। लेकिन योगी राज में ऐसा करना इन्हें भारी पड़ सकता है, जो कि पड़ भी गया और इनके ही नेता के खिलाफ केस दर्ज हो गया। तो आपको क्या लगता है, जनता और उनके चुनावी मत को अपने खेमे में लाने का संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का ये घटिया चाल ठीक थी या गलत? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।